इसराइल ने एक ही दिन में हमास और हिजबुल्ला को बड़े झटके दिए। 31 जुलाई 2024 को तड़के सुबह हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की ईरान की राजधानी तेहरान में मौत हो गई। वहीं इसी दौरान लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फौज शुकूर की इजरायली एयर स्ट्राइक में जान चली गई। और इसी हमले से हिजबुल्ला को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फौज हिजबुल्ला प्रमुख का दायां हाथ और सलाहकार था। लेकिन अब हिजबुल्ला ने भी इसका करारा जवाब दिया है। हिजबुल्ला ने इसराइल के मेडजोवा सेटलमेंट पर दर्जनों ग्रेट टाइप रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने ये हमला शमा कस्बे पर आईडीएफ के हमले के जवाब में किया है, जहां पर कई नागरिकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने राम्या और ऐता अल शाब कस्बों के बाहरी इलाकों पर गोलीबारी की थी। वहीं जब हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला किया तो रस अल नकौरा, श्लोमी, हानिता और मेडजोवा में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया ने कहा कि लेबनान की तरफ से पश्चिमी अल जलील पर कई रॉकेट फायर किए गए। वहीं जब हिजबुल्ला ये हमले कर रहा था, तब इसराइल के लड़ाकू जहाज दक्षिणी लेबनान के हवाई क्षेत्र में घुसकर हमले कर रहे थे, और इन जेट्स ने वादी हसन और जेकबीन, राम्या और ऐता अल शाब पर कई हवाई हमले की, जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान होने की खबर है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि दक्षिणी लेबनान के शामा के बाहरी हिस्से में आईडीएफ ने हमला किया था, जिसमें 4 सीरियाई शरणार्थियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हमले में 5 लेबनानी नागरिक भी घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्ला कमांडर फौज शुकूर की हत्या पर हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने बड़ा ऐलान किया। नसरल्ला ने कहा है कि हमारे कमांडर की हत्या का ऐसा बदला लिया जाएगा कि इसराइल रोएगा। इसराइल ने हमारे मिलिट्री चीफ फौज शुकूर और हमास के मुखिया इस्माइल हानिये की हत्या करके सभी रेखाएं पार कर दी है। इसराइल एक साथ सभी फ्रंट से एक बड़े हमले के लिए तैयार रहे। वहीं नसरल्ला के इस बयान पर इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि इसराइल किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है, रक्षात्मक और आक्रात्मक दोनों तरह की स्थिति। हम किसी भी क्षेत्र से हमारे खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्यवाही के लिए बहुत भारी कीमत चुकाएंगे। आपको बता दें कि इन हालातों के बीच इसराइल और हिजबुल्ला लगातार जंग के और करीब आ चुके हैं, और इनमें एक भी चिंगारी दोनों के बीच युद्ध भड़का सकती है।